नमस्कार। इसके पहले एक वीडियो क्लिप आपके पास भेजा था जिसमें डीएलएड दूरस्थ शिक्षा और साथ साथ नियमित के छात्रों के विद्यालय आधारित गतिविधियों के बारे में चर्चा किया था। अब मैं आगे जो चर्चा उसी से संबंधित उस चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूँ और उस चर्चा में विशेषकर उन लोगों की गतिविधियों की चर्चा होगी जो दूरस्थ शिक्षा से नामांकन लिए हैं। दूरस्थ शिक्षा के डीएलएड कोर्स जो राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा संचालित हो रहा है और विश्व बैंक से संपोषित है, उसके द्वितीय सत्र में विद्यालय आधारित गतिविधियाँ और साथ साथ विषय से संबंधित कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसका आंतरिक मूल्यांकन होता है। तो मित्रों, मैं आंतरिक मूल्यांकन से संबंधित बातों को बता रहा हूँ जिससे आप कम समय में सुनकर देखकर अपने काम को समय से पूरा करके समर्पित कर सकें। तो जैसे हम जानते हैं कि जो हमारे विषय हैं या विषय पत्र हैं, उन सारे विषय पत्रों में दो महत्वपूर्ण गतिविधियाँ होती हैं जिनका आंतरिक मूल्यांकन होता है। एक तो प्रोजेक्ट कार्य, ये प्रोजेक्ट कार्य या तो एससीईआरटी से दिया जाता है या साधन सेवी स्वयं अपने से चुन कर देते हैं। दूसरा विषय से संबंधित दत्त कार्य या असाइनमेंट होता है, वो राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद महेंद्रू पटना के द्वारा दिया जाता है और प्रत्येक विषयों में उनके इकाइयों के आधार पर एक एक प्रश्न बनाने होते हुए हैं। इसमें ऑप्शन भी होते हैं। तो प्रोजेक्ट जमा करना है और साथ साथ दत्त कार्य या असाइनमेंट भी जमा करने हैं विषय के अनुसार और फिर इकाइयों के अनुसार। जितने इकाई होंगे कम से कम उतने प्रश्न के उत्तर देने होते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण जो द्वितीय सत्र के लिए है वो है विद्यालय आधारित कार्यक्रम, ये स्कूल बेस्ड प्रोग्राम, SBP 1 भी इसे कहते हैं या विद्यालय आधारित कार्यक्रम 1 भी कहते हैं। इसमें चार चीज काफ़ी महत्व है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण है जिसका रिकॉर्ड रिकॉर्ड भी बहुत बड़ा होता है वो है सीखने की योजना। आपको 30 सीखने की योजना बनाने हैं और फिर उन योजना को संबंधित शिक्षक से हस्ताक्षर कराना है या दिखाना है। उनकी संख्या 30 होगी और 10 अंग्रेजी के, 10 पर्यावरण के और 10 गणित के, कुल मिलाकर 30। दूसरी गतिविधि है क्रियात्मक शोध। तो आप एक क्रियात्मक शोध करके और जहाँ जिस विद्यालय में आप पदस्थापित हैं उस विद्यालय में क्रियात्मक शोध करके जमा कराएंगे। तीसरी गतिविधि है विद्यालय उन्नयन योजना, इसका भी एक रिपोर्ट बनाना है। एक हम कह सकते हैं कि एक ब्लूप्रिंट, जो एक विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में आप कैसा देखना चाहते हैं। और गतिविधि दूसरी है जो कि विद्यालय से संबंधित सारी गतिविधियां उसमें निहित है, जिसे हम कहते हैं विद्यालय गतिविधियां। तो उन सारी गतिविधियों को एक साथ समाहित करके, चाहे वो दैनिक गतिविधि हो, वार्षिक गतिविधि हो या कोई विशेष गतिविधि हो जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता या बाल संसद की बैठक होती है, तो इन सारी गतिविधियों का एक रिपोर्ट होगा। समेकित रूप से हम कह सकते हैं कि डीएलएड दूरस्थ शिक्षा या ODL के द्वितीय सत्र या सेमेस्टर 2 के प्रशिक्षणार्थियों को जो रिकॉर्ड जमा करने हैं, जो गतिविधियों के रूप में जो भी आप रिकॉर्ड बनाए हैं उनको हम 6 भागों में बांट सकते हैं। पहला है प्रोजेक्ट, दूसरा है दत्त कार्य, उसके बाद है लर्निंग प्लान या सीखने की योजना, फिर क्रियात्मक शोध है, विद्यालय उन्नयन योजना है और विद्यालय गतिविधियों का एक रिपोर्ट होगा। तो इन 6 गतिविधियों को अपने अध्ययन केंद्र पर जमा करना है
और जितने आप जल्दी से जल्दी बनाएंगे, जितना अधिक काम करेंगे, उतना आपका काम आसान होगा और समय से आप सारे रिकॉर्ड्स को जमा कर देंगे। तो मित्रों, आप समझ गए होंगे कि दूसरे सेमेस्टर में डीएलएड कोर्स जो ओडीएल के माध्यम से चल रहा है, उसमें इन 6 रिकॉर्ड्स को ससमय जमा करना है, जिसका मूल्यांकन उस अध्ययन केंद्र के द्वारा होगा और जिसे हम आंतरिक मूल्यांकन भी कहते हैं। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इस कोर्स की शुभकामनाएं।